फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं कैनन EOS M200 का रिव्यू देने वाली हूँ, जिसे मैं लास्ट 3 महीने से यूज कर रही हूँ। और इसका रिस्पॉन्ड भी काफी अच्छा, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है। तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने बोला था कि आपने अभी तक इसका रिव्यू नहीं दिया, तो मैंने सोचा चलो इसका रिव्यू दे देती हूँ। तो वैसे तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और जिसकी ईच पार्ट इसकी वीडियो तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको, मैंने वहाँ पे सब बताया कि इसके सारे पार्ट्स कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और मैं फ्रेंड्स इसके सारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इसके एडवांटेजेस की बात करें तो काफी ज्यादा कैमरा लाइट वेट है, ये देखिए, और ये बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कैमरा है। और यहाँ पे देखिए फ्लिप मोड भी दिया हुआ है, जिसे आप ऐसे टर्न करके आराम से सेल्फी मोड में या तो आप वीडियो बना सकते हैं या फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं, और किसी की हेल्प की जरूरत भी नहीं लगेगी। बस ऐसे कैमरा करके आप अपने आप को देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पे कि कैसी आपकी वीडियो क्वालिटी है। अगर इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें और फोटोज की बात करें तो हम लोग इसमें 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, HD में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा अच्छा इसमें आई डिटेक्शन भी है, जो ज्यादातर महंगे कैमराज में ही मिलता है, बट ये नॉर्मल रेंज में मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है। और फिर प्रीसेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो जैसे कि हम लोग किसी अच्छे से लोकेशन पे गए हैं, माउंटेन्स है या ग्रीनरी है जैसे कि एग्जांपल, तो जैसे ऐसा नहीं होता कि बस हम लोगों ने कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें काफी सारे ऑप्शन दिए, काफी सारे मोड्स दिए हुए हैं। तो जैसे कि आप कहीं नए लोकेशन पे गए हैं तो आप कैमरा ऑन करेंगे और फिर देखिए उसमें सेट कर करके कौन से मोड में आपकी वीडियो ज्यादा अच्छी आ रही है, तो उसमें सेट कर सकते हैं और अच्छी से अपनी वीडियो बना सकते हैं। अगर हम इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें 4K रिकॉर्डिंग हो सकती है और HD में भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। और इसमें आई डिटेक्शन भी काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे तो ये सब हमें महंगे कैमराज में ही मिलता है, बट ये नॉर्मल रेंज में मिल रहा है तो काफी ज्यादा अच्छा है। और जैसे कि हम लोग कहीं न्यू लोकेशन पे गए हैं तो वहाँ पे हम अपने कैमरा को अच्छे से सेट कर सकते हैं और फिर हम लोग वीडियो बना सकते हैं जो हमारी सिचुएशन है जैसी, तो उसमें ये भी अच्छा ऑप्शन है। और फोटो या वीडियो बनाने के बाद हम लोग कैमरे में ही एडिट भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इस कैमरे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें साउंड क्वालिटी इतनी ही ज्यादा अच्छी है, मैं क्या बताऊँ आपको। और इसमें रिकॉर्डिंग करने के टाइम हमें माइक की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेरी वीडियोस में तो काफी सारे कमेंट भी आते हैं कि आप कौन सा माइक यूज करती हूँ, मैं कहती हूँ कोई भी नहीं यूज करती हूँ, कैमरा ही मेरा इतना अच्छा है तो माइक की जरूरत ही नहीं है। फ्रेंड्स, इस कैमरे में HDMI कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ का ऑप्शन तो दिया ही है, इसके अलावा वाईफाई कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन दिया, जो काफी ज्यादा अच्छा है। जैसे कि हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आसानी से अपने फोन में कनेक्ट कर सकते हैं, फिर जो भी फोटोज या वीडियोस हम लोगों ने कैमरे में बनाई हैं तो आसानी से अपने फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें लैपटॉप और कंप्यूटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आराम से आप ऐसे कर सकते हैं। और इसमें टच स्क्रीन का भी काफी अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें मैं टच कर रही हूँ, तो इसमें आपको अगर ब्राइटनेस बढ़ानी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये देखिए। अगर इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो हम लोग लगभग 300 शॉट्स ले सकते हैं, और अगर वीडियो बना रहे हैं तो लगभग ये 2 से 2.5 घंटे तक चल जाएगा और आप वीडियो आराम से बना सकते हैं। और फिर भी आप जैसे लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप जो एक मतलब एक्स्ट्रा बैटरी रख सकते हैं अपने साथ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बीच में वीडियो बनाने के टाइम। और अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो ना के बराबर ही है, क्योंकि इस कैमरे में हमें आई डिटेक्शन बहुत ही अच्छा मिल रहा है, 4K में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, HD में भी आप वीडियोस बना सकते हैं, तो और टच स्क्रीन भी है, तो मतलब इस नॉर्मल रेंज में इसे मिलना बहुत ही बड़ी बात है। तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं यदि आप कहीं हिल स्टेशन पे गए हो या नॉर्मल किसी भी प्लेसेस पे हैं और आपको जूमिंग करना है, तो जूमिंग का थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, मींस बस 0-45 ही एम दिया हुआ है, तो इसमें जूमिंग ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, बट इसकी जगह कोई आप अदर दूसरा लेंस यूज़ कर सकते हैं जिसमें जूमिंग ज़्यादा अच्छी हो, बट इसमें तो यही अवेलेबल है। तो आई होप फ्रेंड कि आप सभी को इसके फीचर्स के बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा इजीली लैंग्वेज में समझाया है और इसकी डिसएडवांटेज भी बताया है, एडवांटेजेस भी बताया है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल रेंज में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप कम रेंज में खरीदना चाहते हैं और 4K में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।